सो हेलो गाइस, आई एम मनीष प्रधान, आल्सो नोन एज मैन। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। ये वीडियो में हम लोग करने वाले क्या, एंशिएंट डेब्रिस का खोज। और गाइस, वो भी तीन चार तरीका है, तो हम लोग सारा का सारा तरीका यूज करेंगे, क्योंकि यार हमको एंशिएंट डेब्रिस चाहिए। अब क्यों चाहिए हमको नहीं पता गाइस, क्योंकि सारा कोई खोज रहे हैं यूट्यूबर्स लोग, तो सोचे हम भी खोज लेते। ओके, तो गाइस आप लोग चीज और नोटिस किए होंगे दैट माय वॉइस। गाइस ये हम छोटा सा माइक लिए, ओके, तो इससे थोड़ा क्वालिटी अच्छा हो जाएगा ऑडियो का, आई थिंक सो। आप लोग बताना कमेंट करके। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम लोग को जाना होगा नेदर वर्ल्ड। तो गाइस उससे पहले हम जितना भी सामान होता है नेसेसरी सामान वो ले लेते हैं। वहाँ जाने के लिए ऑब्वियसली पिकैक्स लेना होगा, शॉवल भी ले लेते। ओके, और गाइस कहाँ गया यार हमारा स्वॉर्ड और एक बो। तो गाइस बो भी बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि इनकेस अगर किसी को मारना हो तो। और गाइस ये बो आप देख रहे हो तो हमारा इन्फिनिटी है एंड पावर 5 का है एंड सारा मैक्स लेवल। ओके, एंड हम कुछ और फूड ले लेंगे। अब गाइस हमको क्या करना है ना, चेस्ट भी ले लेते हैं इनकेस अगर वहाँ ज़्यादा सामान हो गया तो। तो चेस्ट ले लिए है। सो गाइस हम फटाक से TNT बना लेते, वो भी बहुत सारा। तो गाइस हम 1 stack सैंड ले लेते, आई मीन एक्चुअली 2 stack। ओके, अब हम ऐसा करते हैं ना, गन पाउडर लेके आते। सो गाइस हमारे जो मॉब वाला फार्म है वहाँ पे गन पाउडर तो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो ये हमारा गोल्ड फार्म है और हम यहाँ पे आ गए XP या मॉब फार्म में। ओ भाई बहुत स्कैरी आवाज था। तो गाइस चलो हम देखते चेस्ट पे, तो बहुत ओके। तो चेस्ट में आप देख रहे हो गाइस गन पाउडर है हमारा, बॉन है बहुत सारा, एरो मिल जाएगा बहुत सारा। और गाइस हम कुछ यहाँ पे सेपरेट करके रखे हैं, तो हमारा ओके अच्छा ये है हमारा एरो है और गन पाउडर कहाँ। ओ भाई, तो गाइस हमारा चलो इसको मार देते हैं। तू कहाँ से आ गया, हमारा ये गाइस बहुत सारा गन पाउडर है। तो गाइस ये फार्म भी बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव था, अगर आपको ऐसा बनाना है तो या गाइस ऊपर के लिंक में क्लिक करो या डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ओके, तो ऐसा करते हैं ना, 2 stack ले लेते हैं हम, 3 stack ले लेते गन पाउडर। वैसे तो बहुत सारा गन पाउडर है मेरे पास, बट फिर भी इतना इनफ है। तो गाइस चलो फटाक से अपने चलते बेस पे और हम लोग बनाते हैं TNT। यार हम जितना बनता पूरा बना लेते। तो सो गाइस हमारा 32 TNT बन चुका है, और ऐसा करते हैं ना थोड़ा सा और बना लेते हैं, 1 stack ऑफ सैंड और ले लेते हैं एंड ये हमारा TNT। तो 38 TNT बन चुका है। तो यार आई थॉट 1 stack बनेगा, बट फिर भी ठीक है। सो गाइस इतना TNT भी इनफ है, तो हमारा TNT हो गया। और गाइस हम बेड भी बना लेते हैं। तो गाइस आपको पता है बेड हम क्यों बनाने वाले हैं, तो बेड के लिए हम ग्रे उल ले लेते हैं, कोई भी उल। एंड हमको यहाँ, अरे यार हमारा उड कहाँ गया। अच्छा गाइस तो मेरे पास काफ़ी उड है, और गाइस मेरा फार्म भी उड का। और गाइस सामने देख रहे हो हम ट्री उगाते हैं, उसको काटते हैं, तो बहुत सारा उड हो जाता है। सो गाइस 9 bed विल बी इनफ। अब ये सारा हम सामान हम रख लेते हैं, उड रख लेते हैं। ओके, तो गाइस हमको एरो भी चाहिए। ओ शिट, तो हमको फिर से नीचे जाना होगा एरो लेने। तो चलो फटाक से ले लेते हैं एरो हम। भाई चिकन, तो गाइस यहाँ पे चिकन है। और गाइस एक चीज़ आपको दिखाते हैं ना, पक्का चिकन के ऊपर, या हमको पता था। तो गाइस आप देख रहे हो चिकन के ऊपर हमारा जॉम्बी बैठा हुआ है। ओ हाय हाय, तो गाइस इसको मारने में तो नहीं कर रहा है, बट ये छोटा सा क्यूट सा जॉम्बी है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तो गाइस ओ भाई क्या हुआ था अभी। गाइस हमारा क्रीपर फट गया और हमारा जॉम्बी वाला चिकन को फाड़ दिया। अरे यार बट कुछ ब्रेक नहीं हुआ, हमको ये समझ नहीं आया। अच्छा यहाँ कुछ कुछ हो गया है। ओ भाई, तो गाइस एक एरो ही काफी रहेगा, बट 1 stack ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इन्फिनिटी वो है। तो गाइस अगर जितना भी हम मारेंगे ना, आई मीन फॉर एग्जांपल आप देख लो यहाँ पे हम मार रहे हैं, मेरा 64 का 64 ही रहेगा, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी का एनचैंटेड डला हुआ। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेदर वर्ल्ड। हमारे पास सारा चीज़ हो गया है, तो चलो हम लोग अपना नेदर पॉट आ चुके हैं। तो गाइस ये भी हम अपने बिल्डिंग के ऊपर बनाए हुए, बहुत काफ़ी सही लग रहा है। तो चलो चलते हैं हम नेदर पॉट पे। ओ भाई मारना मत बस। ओ भाई इतना कहाँ से आ गया, बस कोई बस मारेगा नहीं, नहीं रहा है, नहीं मारेगा। टोटल नीचे जाना वाई इज इक्वल टू 15 पे, जो वो 71 दिख रहा है हमको वो 15 करना। ओके, तो ऐसा करते हैं चलो चलते हैं हम नीचे। तो गाइस यहाँ से चलते हैं, हम लोग को आराम से जाना होगा, क्योंकि यार कोई लावा का पुल ना मिल जाए तो उसमें फिर हमें को प्रॉब्लम होएगा। सो गाइस हम कहीं और निकल चुके हैं, तो ये कहाँ F3 क्लिक करते हैं, अरे यार 40 है, तो हमको बहुत नीचे जाना होगा, हमको टोटल 15 करना होगा। और हमको यहाँ कुछ दिखा यार। ओके, तो गाइस हम, अच्छा वहाँ कुछ दिखा यार,
एंसेंट डेब्रिश है या वो बेडरॉक है? पहले हम देखते हैं F3 इक्वल टू कितना पहुंचो 28। तो गाइस बच गई यार, लिटरली बच। अच्छा तो वो बेडरॉक ही है। हम ओ भाई, सो गाइस हम y इज इक्वल टू 15, हम 15 में पहुंच चुके हैं। अब ऐसा करते हैं, इस डायरेक्ट कोई भी एक डायरेक्शन में हम माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यार नेदरैक मेरे पास बहुत सारा हो गया है, और गाइस आराम से करना क्योंकि हम लोग को बस वो नहीं मिलना, बस गाइस हम लोग लावा से बच के रहना होगा। ओके यही डायरेक्शन को सीधा जाना बहुत लंबा तक जब तक हमको एंसेंट डेब्रिश नहीं मिलता, उसके बाद फिर देखना क्या करना होगा। अगेन हम एक बार चेक कर लेते, या तो 15 हमारा डायरेक्शन है। ओके यार कुछ 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 तो मिल जाए। ओके तो गाइस हमको सामने से लावा दिख गया, शिट। तो हमको ये हटाना, अब गाइस हमको यहां से जाना होगा, यानी कि अरे गाइस हम एक चीज तो सोचे ही नहीं थे, गाइस हम फ्लिंट से भी तो आग लगा सकते हैं। ओ भाई, अरे यार भाई, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। तो गाइस हर जगह लावा, ओ भाई फिर नो 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 नो। तो गाइस हर जगह लावा यार, समझ नहीं आ रहा क्या कहाँ जाए। और अभी तक गाइस हम लोग को एंशिएंट डेब्रिश मिला नहीं है। तो गाइस इतना माइनिंग करने के बाद हम लोग को एक भी एंशिएंट डेब्रिश नहीं मिला यार, किस्मत ही खराब है यार। बोलते ना किस्मत खराब है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मिलेगा मिलेगा, सारा का सारा मिलेगा, हमको टेंशन नहीं लेना है। सबका दिन आता है, नहीं हर कुत्ते का दिन नहीं आता, आई मीन सबका दिन आता है। ओके भाई एक भी मिलता ना तो मोटिवेट हो जाते भाई, एक तो मिल जाओ यार, कि हम गलत खोज रहे यार। सो गाइस अब हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं, वो है TNT फोड़ना। अब हम TNT ही फोड़ सकेंगे। ओके तो TNT फोड़ने के लिए भी हम लोग को चाहिए होगा, इतना काफी है, काफी है। या गाइस तो इतना काफ़ी है, ऐसा कहते हैं ना इसको थोड़ा आगे करते हो यहाँ पे। एंड गाइस अब हम यहाँ TNT फोड़ना स्टार्ट करते हैं। ओके बस 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 यहाँ से तो लाइक 1 2 दो यहाँ रखेंगे, फिर दो यहाँ रखेंगे, फिर दो यहाँ रखेंगे, दो यहाँ रखेंगे, एंड दो यहाँ रखेंगे। ओके एंड भागने के लिए रेडी रेडी। तो गाइस अब हम लोग करने वाले हैं इसको एक्टिवेट, तो लाइक 3 2 1 गो। अब गाइस देखना क्या होगा ना, कुछ मिलता है कि नहीं, फिंगर क्रॉस। ओके तो गाइस ओ भाई एंशिएंट डेब्रिस प्लीज मिल जाओ यार। सो गाइस ऐसा करते हैं हम लोग नीचे जाना होगा भाई, वो कुछ एंशिएंट डेब्रिस है क्या भाई, मिल जा तो मजा आ जाता। ओ शिट, तो गाइस बहुत ज्यादा, अब देख रहे हो पूरा का पूरा यार इसको खाली ही कर दिया। अरे यार बेडरॉक में पहुंच गया हम, ओ भाई बेडरॉक में पहुंच गए, लेकिन उनको एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला, मतलब हद किस्मत खराब यार। सो गाइस एंशिएंट डेब्रिस तो हमको एक भी नहीं मिला, इतना बड़ा स्पेस में कैसे, हमको तो बिलीव ही नहीं हो रहा भाई, मिल जाओ यार। ओ अरे यार बेडरॉक, अब हम भागो। ओके तो गाइस बहुत भयानक तहलका मच चुका है। ओके तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ लावा पूल था तो, और गाइस हमको यहाँ भी एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला, तो गाइस किस्मत खत्म है यार मेरा। सो गाइस हम TNT को एक्टिवेट कर चुके हैं और ये फूटा बूम भाई, एक एंशिएंट डेब्रिस मिल जाओ यार, फिर एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला, ऐसा फील आ रहा है। तो गाइस कुछ तो गलत कर रहे यार, कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो यार बहुत माइनिंग के बाद हम लोग लास्ट में हम लोग को ये बिल्ड करना पड़ा, आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पैसे नीचे जाएंगे
एंड यहाँ हमारा पूरा का पूरा नेदरैक है एंड दिस इज द लैडर्स। यहाँ से हम पूरा नीचे जाएंगे डायरेक्ट समझे, जहाँ पे हमको माइन करना है एंड देन वहाँ माइन करेंगे। ये इजी फॉर्म रहेगा। ओके तो ये हम पहुँच चुके हैं अपने Y15 पे। यार लिटरली बहुत माइनिंग किया, आई मीन हमको लगता है 3 से 4 घंटा, फिर भी एक भी हम लोग को नहीं मिला डेब्रिज, एंशिएंट डेब्रिज। यार समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो गाइस बहुत सारा वीडियो भी हम देखे तो फिर पता चला कि यही उपाय है भाई। आई मीन कोई शॉर्टकट नहीं इसमें, आपको TNT करो या स्ट्रिप माइनिंग करो या सिर्फ सीधा माइनिंग करते जाओ। तो गाइस लिटरली 3 से 4 आवर करने के बाद हमको एक से एक एंशिएंट डेब्रिज भी नहीं मिला, क्या करें हमको समझ नहीं आ रहा, नो डाउट। तो ऐसा करते ना, एक और उपाय, हम प्लेस चेंज करते, मे बी शायद प्लेस के चलते ऐसा हो रहा होगा। तो हम अपने घर से बहुत आगे जाएंगे। ओके लाइक चलो हम पहले ऊपर चल लेते हैं, और खाना तो मेरे पास बहुत है। अब ऐसा करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग है कहाँ पे, हम लोग आप देख रहे हो एक्स एंड जेड हम लोग 19-40 में, तो हम लोग इसके जैसे लाइक 100 और 150 आसपास में जाएंगे। ओके एंड देन गाइस हम लोग फिर वहाँ माइनिंग करना स्टार्ट करेंगे, मे बी वो हम लोग एंशिएंट डेब्रिज मिल जाए, होप सो, क्योंकि यार एक भी नहीं मिला, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो गाइस देखो हम अपने सर पे गोल्डन हेलमेट पहने हैं, क्योंकि इन केस अगर हम लोग को वो सब आ जाए तो हमको मारे नहीं। ओके अच्छा हम ऐसे जा कहाँ, हमको जाना या हम लोग यहीं चलते हैं, फास्ट एंड फॉरवर्ड में जाएंगे। तो गाइस खतरों के खिलाड़ी, हम लोग अभी है कितना 41, हम लोग को जाना है नीचे 20। ओके ऐसा करते ना, ब्लॉक हम लोग अगल बगल रखते हैं। तो यार हम लोग Y=21 पहुँच गए, हम लोग यहाँ से स्ट्रिप माइनिंग करना होएगा। स्ट्रिप माइनिंग नहीं, एक्चुअली TNT माइनिंग करते हैं हम लोग यहाँ। भाई क्या हुआ यार, एंशिएंट डेब्रिज चाहिए मेरे को। ओके तो यार काफ़ी डैमेज कर दिया ये तो, फिर डैमेज तो क्या, लेकिन इनको एंशिएंट डेब्रिज थोड़े ना मिलेगा। विस्फोटक लगा देते हैं एंड देखते हैं क्या हो रहा। ओके ओ भाई यहाँ भी कुछ नहीं है, वाह कंग्रेचुलेशन। अरे तो यार ऐसा करते हैं, हम लोग थोड़ा बेड वाला भी टेक्निक अपनाते हैं। हम लोग कितना में, चलो सही है, हाँ मे बी बेड वाला से मिल जाए। बेड वाला करने के लिए कुछ करना होगा नहीं हम लोग को, सिंपली यार ऐसे करके पूरा स्ट्रेट हो गया। चलो ठीक है, अब हम बेड लगाते हैं यहाँ, बेड लगाएंगे। कैसे लगेगा बेड? ओ और देख, ओ भाई अच्छा वो पहले का डैमेज होगा, ये हुआ अभी। अरे यार ये तो बहुत सही है। तो यार अब हम बेड ही वाला करने वाले हैं, TNT भी मतलब को वेस्ट हो जाता मेरा। तो लिटरली गाइस एक भी हम लोग को अभी तक से नहीं मिला, बट कोई टेंशन नहीं, हम लोग खोज के रहेंगे। हम लोग का ये मिशन है, हम लोग खोज के रहेंगे। जीना इसी का नाम है। कहाँ गए हम लोग, कहाँ से आए थे हम लोग, वहाँ से आए हुए थे। तो गाइस हम लोग यही डायरेक्शन में और आगे जाएंगे, हमको डेफिनेटली लग रहा था कि कुछ मिल सकता है यहाँ पे। One eternity later. तो हम लोग को लेबल देखते हुए चलना होगा, हम लोग 19 में, हाँ 19-20 जो भी यार कुछ भी हो जाए चलते रहना हम लोग को, और लाइट वेट जलाते रहना। भाई अरे यार भाई ये एंशिएंट डेब्रिज, ओ मैन, ओ भाई ओ भाई ओ भाई गाइस। तो फाइनली यार हमारा पहला एंशिएंट डेब्रिज हम लोग को मिल चुका है, इतनी खुशी मुझे। अरे यार उतना दिन से हम खोज रहे थे, फाइनली हम लोग को एटलीस्ट मिला तो सही। अच्छा कितना पहले देख लेते हैं ना, एक मिनट यार लाइट वाइट जलाओ ब्रो। फाइनली गाइस हम लोग को एंशिएंट डेब्रिज मिल चुका है। ये डायमंड जैसा 3-4 स्पॉन होते हैं, एक स्पॉन होता क्या होता है, आई मीन तो गाइस हमारा फाइनली हम लोग को एंशिएंट डेब्रिज मिल चुका है, और इसको हम ब्रेक करते हैं। अरे यार अभी स्पेस नहीं मेरे पास। तो गाइस हम लोग को पहला अपना एंशिएंट डेब्रिज मिल चुका है 3-4 घंटा माइनिंग करने के बाद। अभी यार कौन है,
तो गाइस आई थिंक अब हम लोग को मे भी बहुत सारा मिल जाए, क्योंकि एक होता है ना एक बार मिलने के बाद फिर बहुत सारा मिलते रहता है, तो ऐसा मे भी हो सकता है। तो गाइस अब ना यार हमारा बनेगा सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन, आर्मर जो भी बोलो। तो अब हम लोग यहाँ पे वही करने वाले, बेड वाला, ऐसे बेड लगाते हैं। कहाँ यार, ओ ओ बच गया बच गया बच गया बच, कहाँ यार। तो यार हमारा सेकंड एंसेंट डेब्रिश हम लोग को मिल चुका है, एंड हमको पता था एक बार मिलेगा तो वो मिलेगा ही, उसके बाद मिलते रहेगा। और तो यार अभी तक हम लोग को टोटल 8 एंसेंट डेब्रिश मिल चुका है। सो गाइस हम लोग अब थोड़ा लकी रहे जो हम लोग को 8 मिलेगा, और हम लोग को 20 मिल जाएगा तो मोर देन इनफ है। ओह भाई, ओह यार, हम लोग को एक से ज़्यादा मिला, एक से ज़्यादा मिला, एक से ज़्यादा मिला, एक से ज़्यादा मिला। तो गाइस यहाँ एक से बहुत ज़्यादा है। अरे यार मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा लक क्यों भाई क्यों। ये बस सबसे पहले हम लोग को लावा का जो ये बंद करना होगा। ओके तो एक बंद हो गया, और वहाँ 4-5 है शायद यार, और भी कहीं से हमको लग रहा है होने वाला। ओके तो एक ही एक था ना। तो गाइस हम लोग को एक से ज़्यादा मिला यहाँ एक, और भाई 1, 2, 3, 4, 5 एंशिएंट डेब्रिस। तो यार हमको लगता है ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला है, आई मीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमको मिलने वाला है 5 से ज़्यादा एंशिएंट डेब्रिस। तो कैसे कर रहे हैं, या नीचे कुछ नहीं ना, चलो तो 1, 2, 3, 4, 5 गाइस, 6, 6, 6। कोई टेंशन नहीं यार, इतना हम एंशिएंट डेब्रिस के लिए कर सकते हैं यार। सारा मिल गया ना हमको यार, सारा मिला कि नहीं मिला, ऑब्वियसली मिल गया यार। ओके तो गाइस हमारा टोटल हो गया 18 एंशिएंट डेब्रिस भाई, 18। हम तो बोले 18 तो हम एकदम सोचे ही नहीं थे सच्ची बोले तो, कि 18 भी हम लोग को मिल सकता है। तो यार लास्ट हमारा 7 बच चुका है, 70 और बेल्ट ख़त्म हो गया, और मेरे पास 29 एंसेंट डेब्रिश है। लास्ट ये यूज़ कर लेते, ओके मिला तो ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, क्योंकि 28 यार एंसेंट डेब्रिश ख़राब नहीं होता सच्ची बोले तो। थोड़ा सा और अंदर कर लेते, ओ नहीं 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 नहीं, इधर जाते हूँ मैं। तो यार हमारा ये लास्ट हम, ओह शिट यहाँ भी दिख रहा हमको, अरे यहीं मारते हैं ना, पूरा का पूरा यूज़ कर दे, आ आ आ चलो पूरा यूज़ कर देते, और भागो यहाँ से भाई। ओ शिट हम गए यार, लावा नहीं, लावा बस लावा नहीं, लावा नहीं, लावा नहीं, थैंक यू लावा नहीं मिला, थैंक यू लावा नहीं मिला। चलो हम लोग कहाँ पहुँच गए, बच गए यार, हमको लगा आई गॉन। तो यहाँ भी कोई, ओके तो गाइस हमारा लास्ट में भी एटलीस्ट मिल ही गया वहाँ एंशिएंट डेब्रिस, आप देख रहे हो। तो चलो एंशिएंट डेब्रिस को फटाक से लेते हैं, एंड गाइस हमारा हो जाएगा देन 29 एंशिएंट डेब्रिस, एंड सही है सही है सही, काफ़ी है यार। तो ऐसा करते हैं हम लोग चलते हैं अपने घर की ओर। तो गाइस आज का मिशन तो 29 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं घर की ओर और वहाँ कुछ कुछ करने वाले हैं, सो लेट्स गो। अरे यार गाइस एक चीज, हम लोग का लोकेशन था 7x = 17, तो यार 17 कैसे पहुंच गए, हम लोग इतना दूर गए हुए थे। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यार जहाँ हमारा घर था, आई मीन जहाँ नेदरलैंड में हम लोग रहे थे, वहाँ -17 में हम निकले थे, और ये ओके तो सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार तो यार एक चीज़ हमको क्या, तो भाई हम लोग अपना घर पहुँच गए, आई मीन आई नो आप लोग को शौक लग रहा होगा यार घर तो जाने तो पता, बट फिर भाई हम नीचे से कैसे पहुंच गए, आई मीन हम लोग उतना आगे गए हुए थे यार, 200 something में गए हुए थे, अभी देखो 17 आ गया। आई मीन गाइस हम लोग वहाँ से जो माइन किया थी, कि हम लोग माइन करते करते यहाँ पहुंच गए। ओ भाई तो चलो सही है, तो गाइस जो भी होता अच्छे के लिए होता है, आई मीन थोड़ा अजीब लगा बट चलो ठीक है। एक्चुअली हम ना इतना माइन में माइनिंग करने में इतना मगन हो गए थे ना यार, तो हम देख ही नहीं अपना एक्स और वाई जेड, हम अपना एक्सेस देख ही नहीं रहे थे, और हम नीचे अपने बेस पर पहुंच गए। चलो तो गाइस हमारे पास 29 डेब्रिस हो चुका है एंशिएंट डेब्रिस,
एक्स्ट्रा को ये रेड वाला हम रख लेते हैं यहाँ, नहीं तो कोई अभी काम का है नहीं ये। बाद में जब हमको और माइनिंग वाइनिंग करना होगा तो यहाँ से ले लेंगे। इसको रख लेते हैं, एंशेंट को हटाते हैं, ये सब कुछ काम नहीं है। एंशेंट एवरेस्ट का तो एक काम है भाई, इसको भी यहीं रख लेते हैं। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं अपने वो वाला वर्ल्ड पे। ओके, और तो कुछ यहाँ से लेना नहीं है ना। अब हमें उसको मेल्ट वेल्ट करना है, बहुत काम है यार अभी। तो लेट्स गो। तो यार आज का वीडियो में बहुत एक्साइटमेंट था। आई मीन हम लोग स्टार्टिंग में सोच रहे थे हम लोग को एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिलेगा और पूरा एकदम सैड एंड ऑल हो गए थे, बट गाइस हम लोग को 29 एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका है। और सची में स्टार्टिंग में तो एकदम बहुत होपिक हो गए थे, हमको लगता था कोई चांस ही नहीं हम लोग को मिलने का। मीन इतना टफ, बहुत सारा माइनिंग किया, बहुत सारा बेल्ट हम वेस्ट किए, बहुत सारा AT&T वेस्ट किए, तब जाके लास्ट में हम लोग को मिला। तो गाइस इसमें टाइम तो बहुत लगता है, मीन 4 to 5 hours मिनिमम लगने वाला है, तब जाके हम लोग को अभी 29 मिला है हम लोग का एंशिएंट डेब्रिस। तो या इट्स टफ बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आप लोग को मिल जाएगा, बस जस्ट ट्राई इट। ओके एंड गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनाने वाले हैं, जो ऑब्वियसली डायमंड में हम ये लगाएंगे कैसे होता, आई डोंट नो कैसे इसका प्रोसेस है, बट हम देख के डायमंड में आई थिंक लगता है नेदरराइट एंड ऑल, सॉरी एंशिएंट डेब्रिस। तो यार बहुत एक्साइटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अगर आप एक्साइटेड हो नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बनाने वाले पावरफुल वेपन, तो ऑब्वियसली वेट करो। एंड गाइस तब तक के लिए आपके लिए काम है, एंड दैट इज लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना, कमेंट करना, एंड इफ सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब कर लेना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। तो गाइस बाय।